हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड गाइस, आज मैं तुम्हारे लिए फिर से एक एनिमे रिव्यू वीडियो लेकर के आ चुका हूँ। एंड इस बार जो मैं एनिमे रिव्यू करने वाला हूँ वो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग रहने वाला है। इस एनिमे रिव्यू वीडियो को देखने के बाद अगर तुम इस एनिमे को देखने के लिए जाते हो तो तुम खुद उसके बाद कमेंट करोगे कि भाई तूने क्या ही चीज बता दी, मतलब इतना ज्यादा अमेजिंग एनिमे। और जिस एनिमे के बारे में तुम्हें बताने वाला हूँ उसका नाम रहने वाला है रानमा वन हाफ। सबसे पहले ये जो एनिमे था वो 1987 या फिर 1989 में आया था। उस टाइम इस एनिमे को उतना सपोर्ट नहीं मिल पाया जितना इसको मिलना चाहिए, क्योंकि ये एनिमे सच में था ही अमेजिंग। लेकिन नेटफ्लिक्स वालों ने इस एनिमे की कदर करते हुए इस एनिमे का फिर से रीमेक वर्जन बना दिया, और जो इसका रीमेक वर्जन है उसकी एनिमे क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है। और तुम्हें तो मालूम ही होगा कि अगर नेटफ्लिक्स किसी चीज को प्रोड्यूस करता है तो वो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग ही होती है। इस एनिमे के बारे में तुम्हें थोड़ा बहुत स्पॉइलर दे देता हूँ कि आखिरकार इस एनिमे में क्या कुछ रहने वाला है। इस एनिमे में तुम्हें एक रानमा नाम का लड़का देखने के लिए मिलेगा जो कि कुंग फू में काफी ज्यादा एक्सपर्ट है। लेकिन उस लड़की के साथ एक प्रॉब्लम है, अगर कोई उस पर ठंडा पानी डालता है तो वो फौरन लड़की बन जाता है, एंड अगर उस पर फिर से कोई गर्म पानी डालता है तो वो लड़का बन जाता है। एंड यही सेम प्रॉब्लम उसके सेंसे यानी कि फादर के साथ है, लेकिन उसके साथ में थोड़ा बहुत उल्टा है क्योंकि वो पांडा बनते हैं लड़की की जगह। और आखिरकार इन दोनों के साथ में ऐसा कैसे हुआ वो तुम्हें एनिमे के अंदर ही देखने के बाद पता चलेगा। एंड इसी के साथ में इस एनिमे में एक फीमेल कैरेक्टर भी है जिसका नाम रहने वाला है अकाने। अकाने भी रानवा की तरह काफी ज्यादा स्ट्रांग है, उसे कोई भी लड़का आज तक हरा नहीं पाया सिर्फ रानवा को छोड़ करके। और इसी के साथ में रानमा और अकाने के जो पेरेंट्स हैं वो आपस में इन दोनों की एंगेजमेंट करा देते हैं, और ये दोनों ही एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। और इसी चीज की वजह से तुम्हें ये एनिमे काफी ज्यादा मजेदार लगने वाला है। और बात रही इस एनिमे की तो मेरा कहना यही है कि तुम्हें इस एनिमे को एक ना एक बार जरूर देखना चाहिए क्योंकि ये एनिमे काफी ज्यादा अमेजिंग है। और वैसे भी हम काफी टाइम से एक्शन एंड रोमांस एनिमे तो देख ही रहे हैं लेकिन उनमें उतना ज्यादा मजा भी नहीं आता है कुछ कुछ एनिमे के अंदर तो, लेकिन काफी टाइम बाद हमें एक कॉमेडी एनिमे देखने के लिए मिला है तो हमें एक बार तो उसे सपोर्ट दिखाना ही चाहिए। और बात रही कि इस एनिमे को देखने की, तो अगर तुम्हारे पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है या फिर तुम नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो तो इस एनिमे को तुम वहां पर ही देखना, जिससे इस एनिमे को काफी ज्यादा सपोर्ट भी मिलेगा। एंड मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि ज्यादातर जितने भी मेरी ऑडियंस है वो स्टूडेंट है, तो वो नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते, तो वो एक काम कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर आ जाना, जिसपे आने के बाद तुम्हें सिर्फ डीएम में टाइप कर देना है रानमा, एंड इसके कुछ ही देर बाद तुम्हें सीक्रेट टी चैनल की लिंक देखने के लिए मिल जाएगी, जिसपे क्लिक करके तुम डायरेक्टली टेलीग्राम पर आ जाओगे और इस एनिमे को वॉच कर सकते हो। और तुम ये बिल्कुल भी मत सोचना कि इसके फॉलोवर ज्यादा हैं ये हमें रिप्लाई नहीं देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है क्योंकि मैं सभी को रिप्लाई देता हूँ। तो आज की वीडियो में तो बस इतना ही, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल।